भारत का एक ऐसा आइलैंड जिसमें दुनिया के किसी भी इंसान का जाना माना है, फिर चाहे वो भारत का क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीपों के करीब है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके टापू के बाहर भी एक बड़ी सी दुनिया है जो उनसे बहुत ही अलग जीवन व्यतीत करती है। अब भारत सरकार ने 1956 में एक कानून पारित किया था जिसके तहत दुनिया के किसी भी व्यक्ति को इस आइलैंड पर जाने की सख्त मनाही है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यहाँ की जनजाति को संरक्षित किया जा सके और बाहरी बीमारियों से भी बचाया जा सके। इस आइलैंड पर रहने वाली सेंटिनल जनजाति इतनी खतरनाक है कि अगर इस आइलैंड पर कोई भी बाहर का इंसान आता है तो उसका वापस जिंदा बचकर बाहर निकलना मुश्किल है। साल 2005 में जॉन नाम का एक व्यक्ति अमेरिका से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में गैर कानूनी रूप से घुस आया था ताकि वो यहाँ के रहने वाले लोगों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार कर सके और उन्हें भी ईसाई बना सके। पर इसके उलट सेंटिनल जनजातियों ने जॉन को वहीं मार डाला और बाद में उसकी लाश को वहीं समुद्र के किनारे दफना दिया। ईसाई धर्म प्रचारक जॉन अपनी बेवकूफी के चलते अपनी जान गंवा बैठा। इस आइलैंड की जनजाति आदिवासी जीवन जीते हैं जिनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखती, और अगर कोई अनजान व्यक्ति इनके सामने आता है तो वो उसे खतरा समझकर उस पर हमला कर देते हैं, और उस दिन भी जॉन के साथ यही हुआ था। वेल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और इसी तरह से अपनी इंटरनेट इम्यूनिटी बढ़ाने की सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।